सब्सक्राइब करें मोनू मोबाइल रिपेयरिंग चैनल को, साथ ही इस बेल आइकन को दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज हमारे पास ये सैमसंग का G2 फ़ोन आया है फ्रेंड, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो FRP का प्रॉब्लम लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में इसका जो FRP है उसको किस तरीके से बाईपास करना है, ना हमको कोई इसको जो है ये सिर्फ यहीं पड़ी रहेगा, ना इसको हमको किसी कंप्यूटर में लगाना है, ना ही किसी लैपटॉप में लगाना है, ना ही किसी सॉफ्टवेयर के विदाउट सॉफ्टवेयर जो इसको जो है इसका जो FRP उसको रिमूव करना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड हमारे सामने ये जो फ़ोन है वो अभी ऑन हो चुका था। यहाँ से सिंपली मैं स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने के बाद फ्रेंड आपका जो अपना वाईफाई है, जैसे यहाँ पर देख पा रही हूँ मैंने अपना वाईफाई को जो कनेक्ट कर रखा है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको भी अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेना, नहीं तो यहाँ ये जो नेक्स्ट वाला बटन ये आपको हाइड दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद सिंपली फिर यहाँ पर से फिर से नेक्स्ट कर देता हूँ, इसको मैं फिर से नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर एग्री पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का कुछ ऑप्शन आएगा, चेकिंग कनेक्शन। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको जो है वेट कर लेना, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर चेकिंग कनेक्शन जो है मांगा जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो यहाँ पर वेट कर लेते हैं, आपको हम दिखा देते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट फ्रेंड, यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो FRP का प्रॉब्लम लगा हुआ है, वेरीफाई योर अकाउंट। ठीक है फ्रेंड, तो अभी ये लाइट बंद हो गया, मैं फिर से इसको ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो FRP का लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्लियर दिखा दूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखते हैं वेरीफाई योर अकाउंट यहाँ पर लिखा आ रहा है, यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ सेटअप वर्क डिवाइस, इस पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है ईमेल ID एंड पासवर्ड मांगा जा रहा है। यहाँ से मैं जब सेटअप पर क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का ट्राई अगेन आ जाता है। फिर से मैं ट्राई करता हूँ, फिर से यहाँ पर देख पा रहे होंगे फिर से ये बैक हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको सिंपली हमको बैक कर देना है फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे इसका जो FRP है जो किस तरीके से बाईपास करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया यार, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है FRP का प्रॉब्लम लगा हुआ है, सैमसंग का J2 फ़ोन है। ठीक है फ्रेंड, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से इसको बैक कर लेना है, सिंपली इसको पूरा बैक कर ले जाना है, यहाँ से पूरा आपको बैक चले जाना है। ठीक है, यहाँ बैक होने के बाद यहाँ पर इस तरीके के ऑप्शन पे आपको आ जाना है। ठीक है, तो ये जो होम की आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, ठीक है, इसको जो है ना मतलब जैसे जो है आपको 3 से 4 बार आपको प्रेस करना है। किस तरीके से, जैसे 1 बार 2 बार 3 बार इस तरीके से फटाफट करना है। देखिए, जैसे मैं फटाफट करता हूँ, फटाफट करने के बाद क्या होगा ना, आपका टॉल बैक जो है ना वो ऑन हो जाएगा। देखिए मैं करता हूँ, देखते हैं फ्रेंड यहाँ पर जो है हमारा टॉल बैक ऑन हो चुका है। फटाफट आपको 3 से 4 बार प्रेस करना है, आपको इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने में, तो आपका जो टॉल बैक है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर L टैप करके बना है इस तरीके से, फिर एक बार फिर से ट्राई कर लेना है। देखिए इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने में आ जाएगा जब टॉल बैक ऑन हो जाएगा तो। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं टॉल बैक सेटिंग लिखा हो तो सिंपली इस पर जो आपको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से टॉल बैक जो है आप ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं फिर से इसको 3 या 4 बार जो है क्लिक करना। देखिए हमारा जो है अभी भी हमारा टॉल बैक लगा हुआ है, तो फिर से यहाँ से प्रेस करने को देखते हैं, यहाँ टॉल बैक हमारा डिसेबल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद सिंपली हमको इसको ऊपर कर देना है। ऊपर करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं टर्म ऑफ सर्विस, तो इस पर हमको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का 2 ऑप्शन आपके सामने में आ जाएगा, तो आपको इंटरनेट को जो है चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इंटरनेट को यूज़ कर लिया। उसके बाद सिंपली यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको एक चीज़ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ आपको एक APK की जरूरत पड़ेगी, MSA बाय पास APK, यहाँ देख सकते हैं MSA बाई पास ए, यहाँ पर मैं ठीक से दिखा देता हूँ आपको, देखते हैं MSA बाय पास APK, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, आपको यहाँ से सर्च कर देना है। ठीक है फ्रेंड, जब सर्च कर दीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके का कुछ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो सिंपली इसको ऊपर कर लेना है, यहाँ से ऊपर कर देना है। ऊपर करने के बाद इसको जो है काट देना है यहाँ से, फिर यहाँ पर देखते हैं MSA बाईपास जो है, तो इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, आपका जिस तरीके का नेट का स्पीड रहेगा उतना लेट में खुलेगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, इसको सिंपली पूरा ऊपर कर देना है। सिंपली यहाँ से फिर से इसको ऊपर कर, जैसा कि मैं ऊपर कर रहा हूँ, ऊपर कर देना है आपको। ठीक है, ऊपर करने के बाद यहाँ पर दे सकते हैं डाउनलोड फॉर्म हेयर। ठीक है, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है।
इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है डाउनलोड का ऑप्शन या डाउनलोड नहीं क्यों नीचे में लिखा हुआ आ जाएगा। देखते देखते मैंने फिर से एक बार मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोड ले रहा फ्रेंड, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने में आ जाएगा। ठीक है, तो 8.45 की ये MB की जो है ये APK है, तो सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में स्टार्टिंग डाउनलोड लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, सिंपली फ्रेंड इसको जो आपको बैक कर देना है। ठीक है, इसको बैक करने के बाद इसको ऊपर करना है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको फोन बुक मार्क्स आ गया, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा हिस्ट्री, साइड में इस पर हिस्ट्री पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जब डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो ये जो अभी APK है आपका, ये अभी डाउनलोड नहीं हुआ है इसीलिए इस तरीके का ऑप्शन आ रहा नहीं। तो जब डाउनलोड हो जाएगा तो ये जो है अपने कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अभी इसको डाउनलोड होने देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी डाउनलोड नहीं हुआ, तो यहाँ पर मैं थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ। ठीक है, जब इसको आपको प्रेस करना है, देखिए फ्रेंड जब प्रेस कीजिए तो इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने में दिख रहा है, क्योंकि ये डाउनलोड नहीं हुआ। ठीक है, सिंपली आपको इसको ओके कर देना है। यहाँ पर जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये जो कलर है यहाँ पर APK लिखा हुआ, ये जो है ना आपको ब्लैक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। ये जो तरीका है यार, मतलब विदाउट बॉक्स है, कोई भी इसको खोल सकता है। देखिए यहाँ पर देखते हैं डाउनलोड कम्प्लीट नीचे में लिखा हुआ आ चुका है, तो सिंपली आपको इस पर जो है क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो अननोन सोर्सेस है इसको हमको ओपन कर देना है, मतलब इसको एनेबल कर देना है। इसको जो अनटिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से हमको देख सकते हैं इस तरीके का एप्लीकेशन, इसको सिंपली हमको इंस्टॉल कर देना है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ये APK है ये इंस्टॉल हो रहा, तो यहाँ पर सिंपली हमको एक्सेप्ट कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट कर लेना फ्रेंड। ठीक है, ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, देखते ये इंस्टॉल हो चुका फ्रेंड। सिंपली आपको ओपन कर देना है। ठीक है, जब ओपन कीजिएगा तो इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने में दिखेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं बाईपास FRP, तो सिंपली आपको ये जो देख रहे हैं गूगल अकाउंट, तो सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। और आपका जो भी वर्जन है, मान के चलिए 6.0 है या 5.0 है, मान के चलिए 6, अरे यार इसको ओके कर देना है यहाँ से, और 6.0 पे क्लिक कर देना है। आपको देख सकते हैं ये 6.0 नहीं है वर्जन हमारा, ये 5.0 वाले पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं ये 5.0 वर्जन है हमारा J2 का। ठीक है, तो इसको हमको इंस्टॉल कर लेना है यहाँ से। ठीक है, तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है आपको। अगर आपका 6.0 वर्जन है तो 6.0 भी आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, मगर ये 6.0 वर्जन नहीं है इसलिए इंस्टॉल नहीं हुआ। यहाँ से सिंपली इसको डन कर देना है। उसके बाद यहाँ सिंपली FRP बाईपास पे क्लिक करना है, ब्राउजर साइन इन पर आपको क्लिक कर देना है। जब क्लिक कर दिएगा तो इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने में आ जाएगा। यहाँ पर साइड देखते 3 डॉट दिख रहा हो, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ब्राउजर साइन इन पर आपको जो है क्लिक कर देना है, यहाँ से सिंपली ओके कर देना है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है आपको आपका जो ईमेल आईडी आपको याद रहता है वो ईमेल आईडी यहाँ पर ही मांगा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो जो आपको ईमेल आईडी याद रहता है वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर जो सिंपली भर सकते हैं। तो मेरे पास जो ईमेल आईडी यहाँ पर मैं सिंपली भर देता हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास जो भी ईमेल आईडी है यहाँ पर मैं सिंपली भर देता हूँ उसको। तो फ्रेंड वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपका जो जरूरी इसके अंदर हेल्प हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको अपना जीमेल जो है यहाँ पर ही भर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो अपना जीमेल है वो यहाँ पर ही फिल कर दिया। उसके बाद सिंपली हमको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका पासवर्ड मांगा जाएगा फ्रेंड, तो पासवर्ड तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा आपको, तो यहाँ पर मैं फ़ोन को इस साइड रख देता हूँ, फ़ोन को मैं इस साइड कर देता हूँ। यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है वो फिल कर लेता हूँ फटाक से। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर पासवर्ड में फिल कर ले रहा हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है मैंने अपना पासवर्ड को जो है फिल कर लिया, उसके बाद सिंपली यहाँ पर साइन इन पे हमको क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आपको वेट कर लेना है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने वेट कर लिया, और यहाँ पर जो है इस तरीके का ऑप्शन आ चुका है, मतलब वहाँ से वो डायरेक्ट हम बैक हो चुके हैं। उसके बाद सिंपली आपको ये जो ऑन ऑफ वाला बटन है सिंपली आपको, या तो आप सीधा बैक भी जा सकते हो, हम बैक चले जाते हैं, पूरा हमको बैक चले जाना है, पूरा बैक चले जाना है हमको।
पूरा हमको बैक हो जाना। देखते यहाँ पर ही आ चुके हैं हम, तो सिंपली इसको हमको स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से फिर से हमको नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, एग्री पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर ही हमको जो है थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ही मैं थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको फ्रेंड यहाँ पर जो है गूगल अकाउंट एडिट करके आपको लिखा हुआ ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर ही फ्रेंड ये सिंपली वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड, ये देखिए अकाउंट एडिट यहाँ पर ही आ चुका है, तो आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो प्रॉब्लम है ये देख सकते हैं, यहाँ पर बैटरी लो का भी ऑप्शन आ गया, तो ओके आपको कर देता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके का ऑप्शन आ चुका है आपके सामने, तो स्किप कर देते हैं, यहाँ पे स्किप एनी भी कर देते हैं। उसके बाद यहाँ मोर कर देते हैं, यहाँ फिर से मोर कर देते हैं। यहाँ पर ही थोड़ा सा वेट कर लेना है, यहाँ पर जो है स्किप कर देना है सिंपली, आपको प्रोसेस है ये, ठीक है फ्रेंड। तो आपको यहाँ पर जो है स्किप कर देना है, तो फ्रेंड आपके सामने जब इस तरीके का ऑप्शन आएगा तो सिंपली आपको यहाँ से जो है स्किप कर देना है। मैं स्किप पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे हमारा जो FRP है वो रिमूव हो चुका है। यहाँ पर देखते हैं हमारी बैटरी भी लो है, 2% चार्ज है। और यहाँ पर मैं सिंपली जैसे सेटिंग में चला जाता हूँ, सेटिंग में जाने के बाद आपको इसका जो मॉडल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डिवाइस में जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड J2 फ़ोन है और मॉडल है सैमसंग J2000G, ठीक है फ्रेंड। तो अभी तक आपने मोनूमा रिपेयरिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सिंपली उसको क्लिक करके मेरे मोनूमा रिपेयरिंग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसी के साथ एक बेल आइकन आएगा, सिंपली उसको भी प्रेस कर ले। जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिल जाएगा और उसका लाभ सबसे पहले आप उठा पाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो जो बेल आइकन है उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबा ले, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।